प्रिय स्टूडेंट, आप लोगों ने बहुत सारी तैयारी कर लिया होगा। सबसे पहले मैं अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर आप लोगों का दिल से खैरमकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। अभी आप देख रहे हैं जो बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल वेबसाइट पे मॉडल पेपर को निकाला है, जो आप बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैं आपके सामने आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड वेबसाइट पर डाला गया वो मॉडल पेपर के नाम से वो दे रहा हूँ, और इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर से आपको परफेक्ट और सही जवाब दूंगा। अगर आपने सही माने मुकम्मल तौर से सुन लिया, याद कर लिया, यकीन जानो कम से कम आपको 25 से 30 क्वेश्चन तो इससे आएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको इसमें ग्रामर भी शामिल है और रोशनी भी इसमें शामिल है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि क्वेश्चन 100 है, बहुत ज्यादा लगेगा, आपका भी वक्त कम बचे और मेरा भी वक्त कम लगे। देखिए, सवाल नंबर एक में है कि आपके निसाब में शामिल हमदे खुदाए अदोदल के शायर कौन है। ऐसे ही आपके इम्तिहान में चार विकल्प भी दिया रहेगा, तो आपको चुनना होगा कि कौन इसका सही जवाब है। तो सही जवाब का क्या है, शबनम कमाली है, जिन्होंने खुदाए हमदे अदोदल लिखा है। देखते हैं सवाल नंबर दो में। देखिए, सवाल जो है ना आपको यहाँ लिखा हुआ है, बाएं तरफ लिखा हुआ है, शामिल निसाब अफसाना आशियाना में सिराज बरकत अली सिद्दीकी के रिश्ते में कौन था। आपने पढ़ा होगा अपनी किताब में उस्ताद के सामने कि सिराज और बरकत अली में रिश्ता था बाप बेटे का, तो पूछ रहा है कि सिराज बरकत अली सिद्दीकी के रिश्ते में क्या था, तो उसका सही जवाब होगा बेटा था, यानी कि बी सही है। अब देखते हैं सवाल नंबर थ्री में, कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई। कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई, आप तमाम को मालूम होगा कि उनकी पैदाइश कब हुई थी। तो यहाँ जो दिया है ऑप्शन ए में तकरीबन 51-52, ये स्टूडेंट यही बिल्कुल सही है, 51 और 52। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर आपका फोर में कि सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया था। कौन सा रिसाला जारी किया था, देख रहे हैं ए में शायर, बी में पयामनामा शरीफ, और सी में नकीब, और डी में तहजीब अखलाक। यकीन जानिए कि परफेक्ट जवाब आपका यही है, तहजीब अखलाक उन्होंने रसाला को जारी किया था। चलिए थोड़ा सा लाइट बढ़ा लेते हैं ताकि आपको भी नजर आए और मुझको भी नजर आए। ठीक है, थोड़ा लाइट बढ़ा लेते हैं, मुझे साफ नजर नहीं आता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कितना सवाल था, सवाल नंबर दो हो गया था, चार हो गया था। आइए देखते हैं सवाल नंबर पांच में। सवाल नंबर पांच में है कि शामिल निसाब भाभी जान का ताल्लुक किस सिंफ किस नसरी सिंफ से है। पूछ रहा है वो क्या है, किस सिंफ है, तो अब नसरी में, तो अब बताएंगे कि उसका ताल्लुक क्या है, अफसाना से। आपने सुना होगा भाभी जान क्या है, अफसाना है। अब देखते हैं सवाल नंबर छः में, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे। ये जवाब जो सवाल जो है बहुत ही वीवीआई है, हर साल ये क्वेश्चन आता है। यह होगा किसका जवाब होगा, नफ्सियात पर, किस पर, नफ्सियात पर इनका महारत थी। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर आपका साथ में कि जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है। इसका सही जवाब होगा आपका डी होगा, 0.75°C, यानी कि डी बिल्कुल सही जवाब है। देखते हैं सवाल नंबर आठ में, दर्जे ज़ैल में लुत्फ रहमान की किताब कौन सी है। आप देख रहे हैं ना, ये चार विकल्प दिया है, सही जवाब होगा बी, नकद नगाह। क्या होगा, नकद नगाह। सवाल नंबर नौ में देखेंगे कि उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है। उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है, याद रखिएगा कि उर्दू का पहला नावल ऑप्शन इसका ए से होगा, मरातुल उरूस उर्दू का पहला नावल है। देखते हैं सवाल नंबर 10 में कि आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया था। आप सबको पता होगा कि आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ बनाया था, तरेगा में, जहाँ से बैठ करके शोध करते थे, यानी कि जांच पता करते थे कि सूरज के बारे में, जमीन चांद के बारे में, तो क्या है, तरेगना है। देखते हैं सवाल नंबर 10 के बाद सवाल नंबर 11 में, यकीन जानो बहुत ही कामयाब ये
आपको वीडियो होने जा रही है। अगर आपने सही माना मुकम्मल तौर से पढ़ लिया, सुन लिया, याद कर लिया, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन तो आपको सॉल्व हो ही जाएंगे। इसमें खास तौर से आपको ग्रामर देखना होगा। तो देखिए सवाल नंबर 11 में है, दर्द जैल मिश्रा को मुकम्मल कीजिए, शायरी भी है आतिश मरसा साज का। इसका मतलब यहाँ का है काम, शायरी भी क्या है, एक काम है। तो यहाँ जोड़ेंगे कि काम आपका ये सही है, शायरी भी काम है आतिश मरसा साज का। देखते हैं सवाल नंबर 12 में कि नदा फाजली के तस्नीफ चेहरे किस नौयत की किताब है, किस नौयत की किताब है। सही जवाब का डी होगा, खाक है। क्या है, ये खाक है। देखते हैं सवाल नंबर 13 में कि शामिल ने साहब हम नौजवान हैं कि शायर कौन है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 13 है, 13 का जवाब क्या होगा, पूछ रहा है कि हम नौजवान शेख के, हम नौजवान हैं कि शायर कौन है। सही होगा ए, ये परवेश शाहरी साहब हैं जो इसके शायर हैं। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 14 में कि मसनवी जेरे जहर इश्क में किस लड़की का तस्करा हुआ, किस लड़की का तस्करा हुआ है। वजीर की लड़की का, सौदागर की लड़की का, नवाब की लड़की का, या जिन्नात की लड़की का। सही जवाब होगा आपका बी, ये सौदागर की लड़की का, जो कहानी हमने क्लास में पढ़ाया था कि छत पर खड़ी थी, ऐसे ऐसे उसके जुल्फ से फड़ा लगा, बहुत सारे हैं, बहुत इंटरेस्टेड कहानी है। सौदागर की लड़की की कहानी को जिक्र किया गया है किसने, जहर इश्क में। देखते हैं सवाल नंबर 15 में मीरा गालिब की पैदाइश कब हुई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये क्वेश्चन आता है उनके पैदाइश के बारे में, उनके इंतकाल के बारे में। याद रखिएगा कि उनकी पैदाइश पूछ रहा है तो 1797, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वही पूछेगा आपका कि इंतकाल कब हुआ है, तो आप बताएंगे 1869 में। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 16 में क्या है कि सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए, सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए। ऑप्शन ए अजीमाबाद, बी में हैदराबाद, और सी में कराची, और डी में लाहौर। क्वेश्चन नंबर 16 है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, लाहौर में। देखते हैं सवाल नंबर 17 में बकौले किस मसनवी का किरदार है, तो इसका सही जवाब होगा ये होगा गुलजारे नसीम का। शॉर्ट कर रहा हूँ जल्दी ताकि वक्त पूरा हो जाए और काम भी होगा। सवाल नंबर 18 में है मुसहफी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी, मुसहफी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी। ये क्वेश्चन आपका 18 है, उसका सही जवाब होगा आपका सी अमरोहा में, यानी कि पैदाइश भी वही और उनकी तालीम भी वही। सवाल नंबर देखते हैं 19 में गजल अरबी के किस सिंफ से शायरी से माखूज है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब होगा आपका बी कसीदा से, इसे है कसीदा से है। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 20 देखते हैं कि इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सिंफ के शायर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सिंफ के शायर है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए गजल के ये शायर है। देखते हैं सवाल नंबर 21 में दर्द ज़ैल मिश्र को मुकम्मल कीजिए, दौलत दर्द को दुनिया से छुपा के रखना, डी इसका सही होगा। देखते हैं सवाल नंबर 22 में कि दोहे के हर मिश्र में क्या होता है, दोहे के हर मिश्र में क्या होता है, इसका जवाब होगा आपका वक्फा होता है। क्या होता है, वक्फा होता है, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23 में परवीन शाकिर के वालिद क्या थे, स्टूडेंट जैसा जात वैसा पैसा और जैसा बाप वैसा बेटा, अक्सर तो नहीं होता है, कभी कभार होता है, तो इसका जवाब होगा कि जब परवीन शाकिर शायर है तो इनके वालिद भी पहले से शायर थे। अब देखते हैं सवाल नंबर 24 में ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई थी, ये जवाब अगर आप नहीं जानोगे तो फिर कौन जानोगे। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन दिया गया है, उम्मीद है कि ऐसे ही आसान क्वेश्चन भी आप इंशाल्लाह इम्तिहान में आपको मिलेगा, बस आपको सिर्फ याद करने की जरूरत है। तो सवाल नंबर 24 का सही जवाब होगा आपका डी शाहजहां ने, शाहजहां ने 24 का आपका डी हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर 25 में हमद खुदा अदुदल में जुलजलाल किसके लिए आया है, सही जवाब होगा बी खुदा ताला के लिए आया है। देखते हैं सवाल नंबर 26 में कि सुहैल अजीबादी की वफात कब हुई थी, सुहैल अजीबादी की वफात कब हुई, ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है जो आप सबको पता भी होगा। सही जवाब होगा ए
1980 में। अब देखते हैं सवाल नंबर 27 में, अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है? मरकजी किरदार किसे कहते हैं, इसमें मेन हीरो कौन है, किसके ऊपर मुकम्मल तौर से बात हुई है? सही जवाब आपका बी होगा, महमूद है जिसके ऊपर मुकम्मल बात हुई है। देखते हैं सवाल नंबर 28 में कि कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है? कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है? तो सही जवाब होगा आपका ए समस्तीपुर, कहां से? समस्तीपुर जिला से है। देखते हैं सवाल नंबर 29 में कि नगराजीन के तसनीफ गर्द आवारगी का ताल्लुक किस सिंफ नसर से है? पूछ रहा है किस सिंफ से है, किस टाइप का है, सिंफ टाइप होता है। तो सही जवाब आपका ये सफरनामा है, क्या है? सफरनामा है। देखते हैं सवाल नंबर 30 में कि बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस कब मुनाकिद हुई थी? तो 2008, क्या है इसका जो ऑप्शन दिया है उसके अतबार से क्या है, 2008 है, 2008 है। देखते हैं सवाल नंबर 31 में सर सैयद की वालदा का नाम क्या था? सर सैयद के वालदा का नाम सही जवाब भी होगा अजीजुन्नैसा, ठीक है। वही पूछ दे कि मिर्जा गालिब के वालदा का नाम क्या है, तो बोलेंगे इज्जतुन्नैसा, ठीक है। ये आपको बहुत सटीक याद करना है, इम्तिहान के लिए बहुत ही क्वेश्चन भी आई है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? ये क्वेश्चन आपका 32 है, रिया आलम हिद्दत और आलिया भट्ट और तेरेगना अदब की पहचान। सही जवाब होगा आपका डी अदब की पहचान, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की लिखी हुई मजमून है, लिखा हुआ मजमून है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में भीमराव अंबेडकर के घर वाले प्यार से किस नाम से पुकारते थे? सही जवाब ए भीमा उनको प्यार से पुकारते थे। देखते हैं सवाल नंबर 34 में लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, सही जवाब ऑप्शन बी होगा, उर्दू ड्रामा नगारी और आगा हशर, ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 35 में आलिया भट्ट की पैदाइश पटना के किस इलाके में हुई थी? सही जवाब खगोल, क्या है? खगोल। अब देखते हैं सवाल नंबर 36 में नजीर अहमद का ताल्लुक उर्दू नसर के किस सिंफ से है, यानी किस लिए मशहूर माना जाते हैं नजीर अहमद? तो नजीर अहमद का ताल्लुक उर्दू अदब में मशहूर है नाविल से, किसे? नाविल से, जिन्होंने बहुत से नाविल लिखा है, तो बहुत मशहूर मरातलोरी की नाविल है। क्वेश्चन नंबर 37 में है गालिब की वफात कहाँ हुई? जी स्टूडेंट, गालिब की वफात कहाँ हुई? देखिए पूछेगा आपसे कि वफात कहाँ हुई, तो सही जवाब होगा आपका दिल्ली में। उनकी पैदाइश कहाँ हुई, तो बोलिएगा पैदाइश उनका कहाँ है, आगरा में हुआ, आगरा में पैदाइश है, इंतकाल उनका दिल्ली में है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 तरफ बढ़ते हैं, 38 की तरफ, इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? ये स्टूडेंट अभी आगे ग्रामर आ गया, इसमें मारफा कितनी किस्में हैं, तो यहाँ पे इसमें मारफा क्या लिखेंगे, 7 किस्में, कितने होंगे, 7 किस्में, 7 नहीं, ये गलत हो जाएगा, इसमें मारफा की 6 किस्में हैं और यहाँ 5 दिया है और 7 नहीं दिया है, तो आपको 5 ही चुनना है। कौन कौन होता है इसमें मारफा की, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 5 टिक मारना है और 6 आता है तो आपको 6 टिक मारना है, ठीक है। 5 आए तो 5 मारना है, 6 आए तो 6 मारना है। कहना आपने सुना होगा इस मारफा की 6 किस्में, अलम खास, लकब, खिताब, कुनियत, तखल्लुस, उर्फ, वही है। और यहाँ पर 6 दे दिया है, तो एक जो अलम खास है उसको निकाल दिया है, बाकी खिताब, लकब, कुनियत, तखल्लुस, उर्फ 5 को चुन लिया है, तो परफेक्ट जवाब आपको 5 होगा, ठीक है। कोई 7 कहता है उसको मानने के तैयार हम नहीं है। देखिए सवाल नंबर 39 में है कि दर्जल में माजी शकिया की मिसाल कौन है, यानी किसमें शक पाया जा रहा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वह लोग पढ़ते होंगे, पढ़ते होंगे, यह माजी शकिया है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका 40 में कि ईदगाह क्या है? ये स्टूडेंट ईदगाह क्या है, इसमें जर्फ, इसमें आला, इसमें फाइल, हासिल मगर, नहीं सही जवाब होगा इसमें जर्फ क्या है, ये इसमें जर्फ है, यानी कि ईदगाह जो है इसमें जर्फ है। जर्फ कहते हैं जो मकान और वक्त दोनों को बताए, जगह और वक्त दोनों को बताए, और ईदगाह क्या है, नमाज पढ़ने की जगह है, लिहाजा इसमें जर्फ हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 41 में कि जिस्म की जिद क्या होगी? जिस्म की जिद यानी कि उल्टा क्या होगा, जिस्म जो देख रहे हैं हमारा बदन है और रूह जो हमसे अलग होता है, तो उसको जिस्म की जिद आपको
रो बताना होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन आपका 42 यानी कि 42 देखते हैं। 42 में क्या है, इबादत की जमा क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं, इबादत की जमा क्या होगी। जवाब होगा इबादत की जमा इबादत, यानी कि इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, इबादत। देखते हैं सवाल नंबर 43 में, अकरम बहादुर इस जुमले में बहादुर क्या है। तो आपने पढ़ा होगा कि सिफत कहते हैं खूबी और खराबी को, लिहाजा बहादुर एक सिफत है, ऑप्शन ए सही होगा। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 44 में, असदुल्लाह खान गालिब में गालिब क्या है। जी ट्विन, असदुल्लाह खान गालिब में गालिब क्या है। तो असदुल्लाह खान गालिब में गालिब क्या है, तखल्लुस है। क्या है, तखल्लुस है। चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 45 में, दरअसल में इसमें नकरा की निशानदेही की, इसमें नकरा कौन है। तो नकरा कहते हैं आम नाम को और मार्फा कहते हैं खास नाम को। तो राशि जो देख रहे हैं, ये राशि जो है खास है, पटना भी खास है, हिमालय भी खास है, और बस गया जनाब ये हो जाएगा आपको नकरा, नदी है नकरा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में, दर्ज ज़ैल में कौन सा रस्म मुज़क्कर है। देखिए आवाज आ रही है, अजान हो रही है, और नमाज भी हो रही है, हज हो चुका है, हज कर लिया है, तो यह आपका हज जो है ये मुज़क्कर लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर आपका 46 का डी परफेक्ट सही है, कोई संदेह कोई शक की गुंजाइश नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में, अकरम कल पटना आएगा, ये जमाने के कौन सी किस्म में आएगा, कल आएगा। इसका जवाब आपने पढ़ा होगा कि जमाने के तीन किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी गुजरे हुए को, हाल मौजूद को, और मुस्तकबिल आने वाले को। और ये कह रहे हैं कि आएगा, इसका सही जवाब होगा आपका डी होगा कि कल आएगा। देखते हैं सवाल नंबर 48 में कि अफसाना वात्रक के किनारे किसकी तख्लीक है। सही जवाब बी होगा, पन्ना लाल पटेल की है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 49 में तरफ बढ़ते हैं, तेलुगु किस सूबे की जबान है। तेलुगु कहाँ बोली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रोशनी की क्वेश्चन है ना। तो जवाब होगा ए, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, और तमिल तमिलनाडु में, मलयालम केरला में, पंजाबी पंजाब में। तो तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। फिर सवाल नंबर देखते हैं 50 में, वारिस शाह से की जबान की नगम है। सही जवाब है ये सी है, पंजाबी जबान की ये नगम है। किसी वजह से अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको फिर सुधार करके जवाब दे दूंगा। मैं भी इंसान, हो सकता है चूक और गलती हो सकती है। अब देखते हैं सवाल नंबर 51 में कि तरादोई खाली संदूक कहाँ से लाई थी। तो जवाब होगा डी होगा, शमशान घाट से। कहाँ गई थी, शमशान घाट से लगे आई थी। अब देखते हैं सवाल नंबर 52 में कि कहानी अर्जुन में अर्जुन किस चीज का नाम है। ये स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया गया होगा, तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ाया है कि अर्जुन जो है एक दरख्त का नाम है। अर्जुन क्या है, एक दरख्त का नाम है इसका, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 53 में है कि गालिब ने उर्दू के अलावा किस जबान में शायरी की है। सही जवाब, गालिब ने उर्दू के अलावा फारसी में शायरी की है। याद रखिएगा, ये आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करा जाएगा, लेकिन इम्तिहान में आपको 100 देकर के सिर्फ 50 मांगा जाएगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंस जिस पर होगा वही आपको लिखना होगा। जो स्टूडेंट इतने आसान क्वेश्चन को अगर 50 में 50 नहीं लाता ऑब्जेक्टिव में, तो वो नाकामा और निकम्मा होगा। उम्मीद करता हूँ मेरे स्टूडेंट जितने भी हैं, जिसको हमने हमारे साथ लाइव पढ़ाया, हमारे साथ क्लास किया, ऑनलाइन किया या ऑफलाइन पढ़ाया, इंशाल्लाह तमाम बच्चे मुकम्मल नंबर लाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में, अब्दुल गफूर का तखल्लुस क्या है। सही जवाब बी होगा, शहबाज है। क्या है, शहबाज है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में पढ़ते हैं कि मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए थे। मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए थे। सही जवाब स्टूडेंट होगा गोरखपुर। कहाँ, गोरखपुर में। देखते हैं सवाल नंबर 56 में, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए। ये बहुत मशहूर क्वेश्चन है। सही जवाब ए, लाहौर में। ए नहीं, बी, लाहौर में। हम देखते हैं सवाल नंबर आपका 57 में क्या रहा है। 57 में है कि दरअसल में उर्फ की निशानदेही कीजिए। उर्फ किसे कहते हैं, तखल्लुस किसे कहते हैं, ये तो आपको ग्रामर में पढ़ा गया होगा। इसका सही जवाब होगा आपका सी होगा। उर्फ में क्या होगा, यहाँ पर सी होगा, गुड्डू होगा। क्या होगा, गुड्डू होगा सिर्फ। सवाल नंबर 58 में है कि पुख्ता की जिद क्या होगी। जिद होता है अपोजिट, उल्टा। पुख्ता कहते हैं पका हुआ को,
और खाम कहते हैं कच्चा को। फल होगा कि सी इसका बिल्कुल सही है, पुख्ता का जीत का होगा खाम होगा। खाम मतलब कच्चा, पुख्ता मतलब पका हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 है, खादिम की जमा क्या होगी। खादिम की जमा क्या होगी, तो खादिम की जमा होगी इंसान खुद्दाम। क्या होगी, खुद्दाम। खादिम की जमा खुद्दाम, खिदमत करने वाले को बोलते हैं, ठीक है। सही जगह का ये होगा खादिम की जमा खुद्दाम। सवाल नंबर देखते हैं 60 में, द रिजल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है। जी स्टूडेंट, मुअन्नस पूछ रहा है। जमीन छोटी है, आसमान बड़ा है, आजाद और ये आजादी आजाद हो गया है, और बादल चमक रहा है, इन तमाम में आपके मुअन्नस पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन आपका ये होगा कि जमीन जो है छोटी है, जमीन तंग है, जमीन छोटी है, ठीक है, और जमीन कीमती है। मालूम हुआ कि जमीन क्या है, ये मुअन्नस है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में, आसमान से तारे तोड़ने का क्या मतलब है। इसका मतलब क्या होगा, आसमान से तारे तोड़ना, जैसे आज के बच्चे मेहनत कर रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं, मुश्किलें बर्दाश्त कर रहे हैं, उसे कहते हैं आसमान से तारे तारे तोड़ना, मतलब है कि बहुत मुश्किल काम करना, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है, द रिजल्ट में लाहका को तलाश करें। देखिए साबका लाहका, ये तमाम ग्रामर आपको पढ़ना पड़ेगा। साबका और लाहका पूछ रहा है। लाहका कहते हैं जो मुस्तकिल लफ्ज के बाद में आए, साबका कहते हैं जो मुस्तकिल लफ्ज से पहले आए। तो पूछ रहा है इसमें लाहका को तलाश कीजिए, ला हासिल, गैर हाजिर, कुतुब खाना, अनपढ़। इसमें आपका जवाब सी से हो जाएगा। सी में आपको कुतुब खाना, ये खाना आपको बाद में आ रहा है। हाजिर में गैर हाजिर, हासिल में ला, और पढ़ में अन, ये सब का सबका है। कुतुब खाना में कुतुब के बाद खाना जो आ रहा है, ये लायका हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में, शर्म का मुतरादिफ क्या होगा। जी स्टूडेंट, शर्म का मुतरादिफ क्या होगा। मुतरादिफ कहते हैं सेम टू सेम, तो शर्म में हया और हया में भी शर्म, तो मालूम होगा कि उसका मुतरादिफ हया है, ठीक है। शर्म का बेशर्म हो जाएगा, जिद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में बढ़ते हैं। 64 में क्या है, देखते हैं कि लफ्ज सुतून का क्या माना होगा। ये फारसी उर्दू अरबी शब्द देता है, सुतून का क्या माना होगा। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, सुतून का माना होता है डी, खंबा। डी नहीं होता है, डी ऑप्शन में है, खंबा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में, अफसाना सूरज घोड़ा की जबान की कहानी है। सूरज घोड़ा, सही जवाब बी होगा, कन्नड़ जबान की कहानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 65 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बताया था आपको, बी यानी कि कन्नड़ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में क्या सवाल है। 66 में एक उर्दू किस जबान से निकली है। तो ये स्टूडेंट याद रखिएगा, उर्दू जो है ना खड़ी जबान से, खड़ी बोली से निकली है। परफेक्ट जवाब होगा, खड़ी खड़ी बोली से निकली है। देखते हैं सवाल नंबर 67 में, तमिलनाडु में कौन सी जबान बोली जाती है। तमिलनाडु में कौन सी बोली जाएगी, सही बात है कि बी में तमिल बोली जाती है। अब देखते हैं सवाल नंबर 68 यानी कि 68 में, अफसाना अंग्रेजिया बाबू के मरकजी किरदार कौन है। ये स्टूडेंट, ये कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है, अपने बच्चों को पढ़ाया था तो उनको हंसी आई थी। इसमें क्या जो मरकजी किरदार है, मधुकांत है। मधुकांत एक स्टूडेंट है जो पढ़ाई के ही जमाने में उसकी शादी हो गई थी। एक बार होली के मौके से उसके ससुराल से दावत आई और बेचारा बहुत सज धज करके वहाँ जा रहा था। ससुराल में गाड़ी पे सवार हुआ, गाड़ी से उतरा, फिर टांगे पर सवार हुआ, टांगे पर हंसी खुशी से जा रहा था। अचानक कोई हादसा पेश आया और टांगा पलट गया, बेचारा गिर गया, उसके सारे सामान टूट फूट गया जो अपने बीवी के लिए खरीदा था, जहाँ से बेचारा बड़ा अफसोस से पड़ गया। वही कहानी इसके अंदर गिर गया है। मालूम है कि मधुकांत जो है अफसाना अंग्रेजी बाबू के क्या मरकजी किरदार है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 69 नंबर क्वेश्चन, शामिल नसाब नजम नजरत मनाजिर फितरत भी है, मनाजिर कुदरत भी दोनों आता है। चकबस्त का कैसी शायरी की बेहतरीन मिसाल है। तो इसके जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 कैसे जो होगा आपका, ये असल में है इसका जो गड़बड़ है, लिखा मंजरी शायरी, ऑप्शन डी है ना, ये आपका रहेगा फितरी शायरी। क्या रहेगा, फितरी शायरी। ये लिखने में गलती हो गया, इसको बनाना होगा फितरी। क्या होगा, फितरी शायरी, ठीक है, यानी कि डी सही होना चाहिए, तीन वाला गलत है। देखते हैं सवाल नंबर 70 में कि जगन्नाथ आजाद की पैदाइश कब हुई। जगन्नाथ आजाद की पैदाइश कब हुई,
सही जवाब हुआ 1918 में, इनका परफेक्ट और राइट जवाब है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 71 में, अब परवेश शाहदी का पूरा नाम क्या है, परवेश शाहदी का पूरा नाम क्या है, तो 71 का सही जवाब आपका ये होगा सैयद इकराम हुसैन, सैयद इकराम हुसैन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में, नजम बिजली के खंबा के अलावा नदा फाजली की कौन सी नजम आपके निसाब में शामिल है, सही जवाब डी होगा, नजम बहुत आसान थी, ये दोनों नजम जो है नदा फाजली की है, जिन्होंने अपनी किताब जो 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 सिलेबस की किताब जो निसाब में दरक्षा में है क्या। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 73 में, सरापा रज जंग शहादत किस सिर्फ की अज्जा में है, हमने अपने बच्चों को सिखाया था कि मरसिया के 8 किस्में हैं, उसमें भी है सरापा है, रज है, जंग है, शहादत है, बीन है, और ये इसमें पूछ रहा है किस सिर्फ से है, सही होगा ए मरसिया, क्या है मरसिया में से रज सरापा जंग शहादत बीन 8 में से कोई भी अगर आ जाए तो अपनी क्या है मरसिया से है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में क्या आता है, गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपने तखल्लुस इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है, आखिरी शेर पूछ रहा है, तो सही जवाब होगा आपका मक्ता, गजल के पहले शेर को मतलब बोलते हैं और आखिरी शेर को मक्ता बोलते हैं, यकीन जानिएगा, खुदा की ज़ात से पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह एक भी क्वेश्चन का जवाब गलत आपको नहीं दूंगा, ये अल्लाह ताला का फजल करम है और अपनी काविश कोशिश और मेहनत है। देखते हैं सवाल नंबर 75 में, मुसाफी की पैदाइश कहाँ हुई, मुसाफी की पैदाइश कहाँ हुई, ये आपको देखना होगा, सही जवाब आपका ए अमरोहा में, कहाँ हुई अमरोहा में। देखते हैं सवाल नंबर 76 में, मसनवी जहरे इश्क किसने लिखी है, सही जवाब शौक लखनऊ ने, यानी क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन बी परफेक्ट सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 तक बढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है कि दर्ज़ ज़ैल मिसरा को मुकम्मल कीजिए तो वह सूरज है तेरी रह जाएंगी, क्या तो सूरज तेरी परछाइयां रह जाएंगी, जिसका ऑप्शन क्या सही होगा आपका बी सही है, परछाइयां आपको यहाँ पर भरना होगा, इम्तिहान में भरने के लिए क्वेश्चन इसको दिया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में, शायर ने शामिल नसाब गीत में किस नदी का तस्करा किया है, तो आपने सुना होगा आपके सबक में होगा कि जमुना की लहरें उड़ती हैं, यानी कि ये ऑप्शन सी आपका सही है, जमुना नदी के बारे में जिक्र किया गया है। देखते हैं सवाल नंबर 79 नंबर क्वेश्चन है कि जफर गोरख की पैदाइश कब हुई, जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई, 79 क्वेश्चन है, तो आपको जवाब चुनने के लिए चार विकल्प देखिए, पहले 1925, 1930, 1935, 1940 और ये क्वेश्चन नंबर 79 है, तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, 1935 में इनका क्या है इनकी पैदाइश हुई है जफर गोरखपुरी की। देखते हैं सवाल नंबर 80 में, 9-11 होना का मतलब क्या होता है, सब जानता है 9-11 मतलब भाग जाना, मतलब भाग जाना, ये इम्तिहानी मुहावरे आते रहते हैं। सवाल नंबर 81 में, अलिफ ममदूदा ज़ैल में से किस लफ्ज में है, तो देखिए अलिफ की दो किस्में हैं, एक अलिफ मकसूरा है, एक अलिफ ममदूदा है, मकसूरा कहते हैं जो कम खींच कर पड़ जाए और ममदूदा कहते हैं जो खूब खींच के पड़ जाए, जैसे कि आप देख रहे हैं उसका ऑप्शन सी से होगा का आम, क्या होगा आम। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 82 में कि खार का हम सौत लफ्ज क्या है, खार तो असल में ये खार है, खवार लिखा है ना, तो इसका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि खवार का क्या होगा खार होगा। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 83 में कि दरजैल में सबका की निशानदेही कीजिए, सबका कहते हैं पहले वाले को, तो ला हासिल अकलमंद ईदगाह कब्रिस्तान इन चारों में पूछा है सबका की निशानदेही कीजिए, तो सबका बिल्कुल सही जवाब है आपका ए सही होगा ला हासिल। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 84 में कि मैं कौन सेगा है, मैंने कहा, मैं कहता हूँ, ये सब जो है वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है, यानी कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देखते हैं सवाल नंबर 85 में, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, ये कैसा जुमला है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, आप देख रहे हैं ये आपका हो जाएगा डी इस्तफहाम में, जिसमें सवाल की वजह से पूछा जाए। देखते हैं सवाल नंबर 86 में, डॉक्टर मुगनी किस जबान के उस्ताद थे, तो सही जवाब होगा आपका सी, ये अंग्रेज के लेक्चरर थे, अंग्रेजी जबान के उस्ताद भी थे। देखते हैं सवाल नंबर आपका 87 में,
कि भीमराव के वालिद का क्या नाम था। आपने सुना होगा कि भीमराव के वालिद का नाम रामजी सतपाल था। क्या था? रामजी सतपाल था। बिल्कुल सटीक और सही जवाब हुआ आपका। देखते हैं सवाल नंबर 88 में शामिल नसा मकतूब शहबाज ने किसके नाम लिखा है, अपनी जो खत लिखा है। सही जवाब डी होगा, बेटी के नाम लिखा है। और देखते हैं सवाल नंबर 89 यानी कि 89 है, मेहदी अफादी का ताल्लुक किस खानदान से था। तो मेहदी अफादी का ताल्लुक सही जवाब होगा आपका बी, शेख खानदान से था। क्या? शेख, ये शेख की जमा क्या है? शेख। अब देखते हैं सवाल नंबर 90 में कि नाविल एक चादर मैलूसी की नाविल नगार कौन है, यानी किसने लिखा है। सही जवाब होगा सी, राजेंद्र सिंह बेदी की एक नाविल है। क्या है? एक चादर मैलूसी की नाविल है। देखते हैं सवाल नंबर 91 में क्या लिखा हुआ है। द रिजल्ट में इसमें आला की निशानदेही की, आला किसे कहते हैं? औजार को। स्कूल औजार नहीं है, इसमें जर्फ है। वजूगा इसमें जर्फ है। आगतुक एक नाम है इसमें है। असल में क्या है? डी इसका सही होगा, क्योंकि झाड़ू भी साफ करने का एक आला है, तो इसको बोलते हैं औजार, बोलते हैं आला को, तो ये झाड़ू सही हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 92 में कि मुहावरा मुहावरा गर्म होने का मतलब क्या है। गर्म होना नहीं कहते हैं ना, आदमी फर आदमी बहुत गर्म हो गया, यानी गुस्सा होना, बहुत गुस्सा होना होता है। देखते हैं सवाल नंबर 93 में इंडिया गेट कहाँ वाक़ है। इंडिया गेट कहाँ है पता नहीं आपको? इंडिया गेट सही बात है कि दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में है। सवाल नंबर देखते हैं 94 में सैयद मोहम्मद जाफरी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है। जाफरी की, क्वेश्चन नंबर 94 का सही जवाब क्या होगा आप जानते होंगे, तो कमेंट में लिखते रहिए आप। इसका जवाब होगा आपका सी, खाड़ा डिनर। ठीक है, बिजली खंबा नेता फाजिल जी है और इंडिया गेट जवाहरलाल आजाद है। हम नौजवान को आप जानते ही हैं, और यहाँ पर है खाड़ा डिनर, ये क्या है? सैयद मोहम्मद जाफरी साहब है। सो उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 95 में नसीम की पैदाइश कब हुई। नसीम की पैदाइश कब हुई? 94। नसीम की पैदाइश देखिए 1811, 1812, 1813, 1814 में इनकी पैदाइश हुई है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में हसन नईम का ताल्लुक किस शहर से है। हसन नईम का ताल्लुक किस शहर से है, क्वेश्चन नंबर 96 का सही जवाब आपको मिलेगा बी, कहाँ? पटना से है। कहाँ से? पटना से है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 97 में कि परवीन शाकिर के असराफ का आबाई वतन कहाँ है। दरभंगा है। कहाँ है? दरभंगा। सही जवाब आपका दरभंगा जी। एक्चुअली ये सब क्वेश्चन बिल्कुल सुपर थी हिट थे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में इसम के बदले इस्तेमाल होने वाले लफ्ज को क्या कहते हैं। सही जवाब इसको कहते हैं बी होगा, जमीर कहते हैं। आपने सुना होगा कि नाम के बदले जो लफ्ज आता है उसको हम जमीर कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 99 नंबर क्वेश्चन है कि तुम क्या करते जुआ मुकम्मल करना है। तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हैं, तुम क्या करते हैं, सब गलत है। सही जवाब है तुम क्या करते हो, यानी कि बी बिल्कुल सटीक और परफेक्ट जवाब है तुम क्या करते हो। सेंटेंस भी आपको सही जमना जोड़ना होगा। सवाल नंबर 100 देखिए 100 यानी कि 100 कायनात की तखलीक किसने की। सबसे पहला क्वेश्चन भी आपका उसी दरख्शा के चैप्टर 1 से था, और लास्ट क्वेश्चन भी आपका दरअसल की चैप्टर 1 ही से है। कायनात की तखलीक किसने की। आप सब जानते हो कि कायनात कहते हैं संसार को, तखलीक कहते हैं पैदा करने वाले को। मालूम है कायनात की तखलीक अल्लाह ताला ने की है। जी स्टूडेंट, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव दिखा दिया और इसका टिक भी लगा दिया। इंशाल्लाह कल के वीडियो में आपको सब्जेक्टिव दिखाएंगे, कैसे कैसे सब्जेक्टिव पूछा गया है। इम्तहान में इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा आपको होगा। फिर मिलता हूँ कल इंशाल्लाह वीडियो में सब्जेक्टिव के साथ। तब तक के अल्लाह हाफिज़।